वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेस्ट वे स्टडी क्लासेस। तो टॉपिक के साथ साथ उसके बाद फिर हम आप लोग को बता देंगे कि किस कारण से वीडियो नहीं आ पा रहा था, ठीक है ना। देखिए हम लोग जीव विज्ञान में बायोलॉजी में क्या पढ़े थे, बायोलॉजी में पढ़ लिए थे जैव प्रक्रम। हमारा जो चैप्टर चल रहा था एनसीईआरटी बुक्स को आप लोग को बोले थे कि फॉलो कीजिए, तो एनसीईआरटी बुक में वो जैव प्रक्रम का जो 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 उसे पढ़ना है, श्वसन हो गया, पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सारे चीज सब मतलब कि एक में करके दे दिया है, ठीक है। तो उससे घबराइएगा नहीं, हम आप लोगों को क्या किए हैं पहले जीव विज्ञान में वो जय प्रक्रम के बारे में जो भी चीजें बातें थी सारे चीज मैं बता दिया हूँ, और उसके बाद फिर पोषण के बारे में बताया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है श्वसन के बारे में, रेस्पायरेशन जिसका इंग्लिश होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो भी श्वसन में श्वसन को मतलब कि हम एक क्या कर रहे हैं ना, हर एक को पार्ट बाय पार्ट बना रहे हैं ताकि बच्चे लोग को प्लेलिस्ट पे पढ़ने में दिक्कत ना हो, हर चीज़ को खोजने में दिक्कत ना हो, आसानी से उनको मिल जाए टॉपिक और वो आसानी से पढ़ ले। और ज़्यादा से ज़्यादा ये सब वीडियो कितना 40 से 45 मिनट का आप लोग को ये जाएगा क्लास, ठीक है ना। तो इसके लिए घबराइएगा नहीं, हम लोग अब आ जाते हैं श्वसन बॉडी रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन किसको कहते हैं, मतलब कि श्वसन होता क्या है, तो जानते हैं। पहले ही आप लोगों को हम बता चुके हैं कि हमारे पास बहुत कुछ छोटा है, जगह का अभाव है, इसके कारण हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग समझते चलते हैं और लिखते भी चलते हैं, कुछ कुछ चीज़ें तो आप लोग को बताते ही हैं। खैर बाकी तो ये बायो है, तो बायो में ज़्यादा लिखने से ज़्यादा समझना जरूरी है, और मैथ में लिखने के साथ साथ समझना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए क्या बोलता है कि श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं। क्या बोल रहा है कि श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन, मतलब कि अभी हम लोग खुला वातावरण, जैसे अभी हम तो अभी फिलहाल एक कमरा में है, ठीक है। मान के चलिए कमरा है हमारा शीशा का, ग्लास का है, ठीक है। अगर ग्लास में एक भी छिद्र नहीं होगा और हमको मतलब फुल सेफ्टी, एकदम फुल सेफ्टी से क्या किया जाएगा, ग्लास में पैक कर दिया जाएगा और वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा। और आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि कोई बैलून ले लेते हैं, ठीक है। तो बैलून लेने के बाद क्या होता है, उसमें फुलाते हैं, जब मुंह से उसमें हवा छोड़ते हैं तो क्या होता है, फूल जाता है बैलून। उसके बाद उसको कस देते हैं तो क्या उसमें ऑक्सीजन क्या आता जाता निकलता उकलता है, ऐसा नहीं है, पॉसिबल है। और अगर छिद्र रहता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन वहां से निकल तो जाता है लेकिन प्रवेश फिर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैलून है। वो बैलून क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन निकलने के संपर्क निकलता है वैसे क्या होता है, धीरे 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 वो छोटा होने लगता है। तो सपोज यहाँ हम मान के चलिए एक ग्लास में हम पैक हैं, ठीक है, और उसमें जब जैसे ही पैक करते हैं समय कुछ ना कुछ तो ऑक्सीजन हमारे लिए वहां पर छूटा ही रह जाएगा, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन सब क्या हो जाएगा, खींच लिया जाएगा। मान के चलिए वहां पे ऑक्सीजन कुछ है, तो कुछ ऑक्सीजन रहने के संपर्क, जब तक ऑक्सीजन उसमें रहेगा तब तक तो हम ठीक रहेंगे, लेकिन बाद में हम लोग को बाद में हमको क्या होने लगेगा, अकलाहट, मतलब कि बेचैनी महसूस होने लगेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या, हम लोग ऑक्सीजन जैसे हम लोग ऑक्सीजन पे हैं तो क्या है, अगर वातावरण में हम लोग को ऑक्सीजन ना रहे तो क्या हम लोग मतलब जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, मतलब बहुत सारा के प्रॉब्लम होने लगेगा, नस वगैरह ये सब क्या होने लगता है, देखते हैं वो मतलब कि कुछ फीट ऊपर जाने लगते हैं, जैसे पहाड़ पे आप लोग चढ़ते होंगे तो कभी कभी फीलिंग्स किए होंगे कि नाक में से मतलब कि ये ब्लड आने लगता है, तो वो सब क्या है, मतलब कि ऊंचे स्थान मतलब कि ज्यादा 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 ऊंचा जाने पर भी क्या होने लगता है, अकलाहट महसूस होने लगता है, मतलब कि नस वगैरह किसी किसी का तो अभी यहाँ नहीं मतलब और ऊपर बाहर में जाइएगा ना तो ऊपर में मतलब कि क्या होने लगा, ब्लड के अति मतलब ब्लड सर्कुलेशन कुछ अलग बिगड़ जाता है, इसके कारण फिर नस ये सब क्या होने लगता है फट। तो सब चीज के बारे में पढ़ेंगे, बायो हमारे ये बायो का हम चैप्टर आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो सारे छोटे छोटे बातों को लेकर के हम चलेंगे। तो हम क्या बता रहे हैं, हाँ वही, तो सपोज जैसे कि अगर नहीं रहेगा ग्लास में ऑक्सीजन तो हमको अकुलाहट महसूस होगा, बेचैनी महसूस होगा। बस उसी से आप देखते हैं क्या बोलता है कि जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर, ऑक्सीजन ग्रहण कर, जैसे अभी हम फिलहाल अभी यहाँ पे पैक्ड नहीं है, आप लोग को तो दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम बता रहे हैं यहाँ पे हम पैक्ड नहीं है, हमारे रूम में खिड़की है, दरवाजा जो खिड़की खुला हुआ, तो कहीं ना कहीं हम लोग वातावरण से जुड़े हैं और ऑक्सीजन आवागमन कर रहा है। हाँ, तो ऑक्सीजन ग्रहण कर
शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। आप सारा चीज पढ़ाएंगे, कोशिकाओं ये सब सारा चीज पढ़ाएंगे, कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीजन कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा, जिसको एटीपी इसका शॉर्ट है, एटीपी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ठीक है ना। और फिर इस तरह से भी बहुत तरह उसका है, मतलब कि इसको हम डिफिनेशन लिख सकते हैं। एक्चुअली जहां तक कि हमारे मतलब कि हम बुक को भी पढ़ें और अपने से भी हम इसको निकालें, तो हम जहां तक इसको ही हम निकाल पाए हैं। और ये चीज बेस्ट है, आप लोग अगर एग्जाम में इस चीज को लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं श्वसन के दो अवस्थाओं, कुछ अलग अलग है, जैसे जिसमें अवायवीय श्वसन है, एनारोबिक रेस्पायरेशन, और एक वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पायरेशन है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट्स कीजिए। आगे हम वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन के बारे में चलते हैं। आज ये श्वसन को खत्म ही करने में अच्छा है, ताकि आप लोग के वीडियो नहीं आ पाया है, क्लास नहीं हो पाया है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। क्योंकि मेरे देखिए क्या हुआ ना, अचानक मेरा फोन क्या हो गया, वो मतलब कि खत्म हो गया, डेड हो गया। ऐसा समझ में आ रहा ना, हम भी सोच में पड़ गए हैं कैसा हुआ क्यों पता नहीं, ये मतलब कि कुछ दिन पहले की ही बात है, अचानक वो मोबाइल क्या हुआ खराब हो गया। खैर, खराब होने से लगातार लगे हुए हैं आप लोग के लिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना, आप लोग इसको नोट्स कीजिए। बैक साइड में हम लोग अभी श्वसन के बारे में पढ़े, श्वसन में श्वसन की दो अवस्थाओं, जिसमें वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन के बारे में हम लोग को अब पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहला हम लोग का अवायवीय श्वसन है, इसमें अवायवीय श्वसन देखे, एक यही प्रॉब्लम क्या है ना कि भाई हमें लेक्चर ज्यादा आता है और लेक्चर को लिखना भी हमको पड़ता है, ताकि बच्चा कुछ लिख ले भी और समझ ले भी। देखिए कोशिश करेंगे आगे जब ज्यादा लेक्चर आएगा तो उसको हम बुक्स वगैरह को फॉलो कर लेंगे और आप लोग को नोट्स लिखवाते चलेंगे। ठीक है ना, ये सब चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत टाइम वैसे लग जाएगा, लिखना है, फिर आप लोग को उतारना है, फिर समझना भी है, तो कोशिश करेंगे बाद में, अभी नहीं, अभी जो जो है पार्ट उसको पढ़ लेते हैं हम, जहां तक की कोशिश करेंगे लिख भी दे, आप लोग को समझ में भी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब अब क्या बोलता है कि पहला देखिए, एक एरो करके क्या लिखा गया है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जिसे अवायवीय तथा दूसरा ऑक्सीजन के उपस्थिति में वायवीय कहते हैं। मतलब कि ये इसमें ये इस लाइन से यही समझ में आना चाहिए आप लोग को कि वायवीय कब होगा और अवायवीय कब होगा, और वायवीय मतलब उसको नाम इस किस तरह उसको दिया गया है, मतलब वो अवायवीय वायवीय क्यों दिया गया है, तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब कि जब अवायवीय श्वसन में जब हम लोग पढ़ेंगे कुछ कुछ, तो उसमें सारा डिटेल्स जो जो दिया गया रहेगा वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में दिया हुआ रहेगा। और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब कि वायवीय होता है, वायवीय कहते हैं उसको, वायवीय कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अवायवीय श्वसन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यह श्वसन का प्रथम चरण है, अवायवीय श्वसन है ना, जो श्वसन का प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाता है। मतलब ग्लूकोज का आंशिक विखंडन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाता है। देखिये आप लोग हर एक चीज क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनते चलिएगा, अगर एग्जाम में यह सब चीज आ जाता है। देखे अभी तो हम लोग जो सिलेबस हम लोगों को खत्म करना ही है, सिलेबस के साथ साथ आप लोग को नवंबर लास्ट में आप लोग को, या फिर नवंबर का कुछ मतलब कि 15 तारीख या मतलब कि 15 हाफ मंथ के बाद ही, उसका नवंबर का हाफ होने के बाद उसका आप लोग का टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगा, तब तक बहुत सारे हम लोग सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। ठीक है ना, तो एक चीज यही हम आप लोग को बोलना चाहते हैं कि कम से कम जो अभी चीज सब चीज पढ़ाया जा रहा है नवंबर 15 तारीख के पहले तक सारे चीज को एकदम रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एकदम 15 तारीख के बाद आप लोग का टेस्ट सीरीज क्या होने वाला है, शुरू होने वाला है। ठीक है, और आप लोग की जहां तक की सपोर्ट रहेगी तो हम लाइव भी क्लास कराएंगे। ठीक है ना, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, जल्द ही लाइव हम लोग आने वाले हैं। ठीक है, तो क्या बोला कि अंतर्गत
जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन के केस में उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, क्योंकि हम लोग अवायवीय श्वसन ही पढ़ रहे हैं और ऊपर जहां तक कि हम लिख दिए हैं कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अवायवीय तथा ऑक्सीजन के उपस्थिति में वायवीय होता है, वायवीय कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखते चलेगा। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से दो अणु पाइरुवेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पाइरुवेट का निर्माण होता है, ठीक है। फिर पाइरुवेट का निर्माण होता है, यह क्रिया कोशिका द्रव में होता है। कहां होता है? कोशिका द्रव में होता है, तथा इसका प्रत्येक चरण विशेष एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि अवायवीय श्वसन या श्वसन का प्रथम चरण है, लिखते अंडरलाइन करते चलते हैं, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज के से दो अणु पाइरुवेट का निर्माण होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव में होता है तथा इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम में उत्प्रेरित होता है। बस यही तो है अवायवीय श्वसन में। ये सब चीज आप लोग को वहां लिख देना है अगर एग्जाम में आ जाता है तो, और नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। तो दूसरा वायवीय श्वसन हम लोग पढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट्स कीजिए। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ते हैं वायवीय श्वसन, ठीक है। अब वायवीय श्वसन होता क्या है, अवायवीय पीछे पढ़ लिए। श्वसन के प्रथम चरण में बना पाइरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। मतलब क्या, श्वसन के प्रथम चरण में बना पाइरुवेट बैक साइड में भी पढ़े, पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जैसा कि आप लोग को हम बैक साइड में भी ये चीज बताएं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला जो कंडीशन रहेगा वो वायवीय श्वसन में पूर्ण होगा, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला कंडीशन रहेगा वो कहाँ? अवायवीय श्वसन में पूर्ण होगा। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वायवीय श्वसन, तो एक्चुअली यहाँ पे आएगा ही क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वायवीय श्वसन। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन होता है, इसके साथ साथ जल रासायनिक ऊर्जा भी, देखिए इसके साथ साथ जल रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है, जो एटीपी अणुओं में संचित हो जाती है। किस अणु में संचित हो जाती है? एटीपी अणु में संचित हो जाती है, ठीक है। फिर बोल रहा है एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उसमें कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न जैव क्रियाओं में संचालित हो जाती है। क्या हो जाती है? एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उसमें कोशिका के अंदर में होने वाली विभिन्न जैव क्रियाओं में संचालित हो जाती है। कहाँ? एटीपी के अंदर, एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उसमें कोशिका द्रव के अंदर, कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न जैव क्रियाओं संचालित हो जाती है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को हम बता दिए हैं, श्वसन पहले पढ़ा दिए, श्वसन के दो अवस्थाओं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, और देखिए और एग्जाम में ये सब भी आ सकता है, अवायवीय श्वसन वायवीय श्वसन में अंतर लिखने के लिए। तो सबसे पहले तो जो हम बैक साइड में एक चीज लिखे थे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो वायवीय श्वसन, और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में तो कि अवायवीय श्वसन, ये दूसरा लिख दीजिए, पहला लिख दीजिएगा इस तरह से। और जो जो इसमें से हम जैसे वायवीय श्वसन बैक साइड में हम बताएं या अवायवीय श्वसन में कि वो ये प्रथम चरण में मतलब कि क्या होता है, संपन्न होता है, यह संपूर्ण होता है इस तरह से। और इसमें क्या बताया गया कि श्वसन के प्रथम चरण में बना पाइरुवेट पूर्ण ऑक्सीजन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, चला जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन होता है। किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसका? पाइरुवेट का विखंडन होता है। और वहां कुछ और पढ़े थे, ठीक है। तो यही सब जो हम आप लोग इसमें हम ऑक्सीजन के ये जो है ना अवायवीय श्वसन वायवीय श्वसन में हम अंतर यहाँ पे नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि जो जो डिटेल्स इसमें डाला गया है हम झाट के दिए हैं आपको, वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन, उस दोनों का अगर ग्राफ पढ़िएगा, उस दोनों का मतलब ग्राफ बोल रहे हैं सॉरी, वो दोनों का पैराग्राफ जब पढ़िएगा तो आप लोग को उसमें से मिल जाएगा। एक हम बता दें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। तो अब हम लोग आते हैं
पौधों में पोषण, श्वसन पहले हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग का आता है न्यू टॉपिक में पौधों में पोषण। देखिए हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, 10 मिनट लेट पढ़ेंगे, 10 मिनट ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कहां से क्वेश्चन कर देगा इसका कोई जानकारी किसी को नहीं होता, ये चीज आप लोग हमेशा जानते ही हैं। और एग्जाम में एक चीज और क्या आता है, बोलता है बच्चे लोग कि सर जो क्वेश्चन में याद कर लिए गए थे वो क्वेश्चन आईवे नहीं किया है। होता है, होता है, हमको पता है, जब हम लोग एग्जाम देते थे तो यही कंडीशन होता था, लेकिन अब ऐसा फीलिंग्स देखिए हमेशा जैसे जैसे मतलब कि उम्र होते जाता है कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो आता ही, ऐसा बात नहीं है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ के जाए वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है, आता है, ये कहिए कि वो क्वेश्चन नहीं पढ़े थे क्या। तो देखिए पौधों में पोषण हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, पौधों में पोषण बहुत सारे चीजें, फिर शायद जंतुओं में भी पोषण पढ़ने के लिए होगा। एक्चुअली हम बुक्स को उतना तो देखे नहीं है, हम डायरेक्ट अपना अपना टॉपिक्स क्या करते हैं पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पौधों में पोषण क्या होता है, किस तरह पौधों में पोषण होता है, क्या क्या उसमें कंडीशन होता है, क्या क्या वो वर्क करता है, तब जाके पौधों में पोषण सॉरी पौधे में श्वसन होते हैं, ठीक है, आते हैं। देखिए बोल क्या, देखिए हर एक पॉइंट मतलब कि किताब वगैरह में क्या करके दिया जाता है, एक पूरा पैराग्राफ ऐसे दे दिया जाता है, उस पैराग्राफ को उतारो फिर उसको समझाओ, वो बेहतर नहीं होता है, उसमें से जो जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको समझा देना और वो उस चीज को लिखवा देना, वही बेहतर होता है, ठीक। तो देखिए हम लोग आते हैं पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। एक एक पॉइंट समझते चलिएगा, क्या बोल रहा है, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है, किस क्रिया से, विसरण क्रिया से, रेड पेन से लिखते हैं, किस क्रिया से, विसरण क्रिया से होता है। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से, वायु वायुमंडल से मतलब वायु कहाँ मिले, वायुमंडल में मिले, वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों जिसको अस्टोमाटा भी इंग्लिश में बोला जाता है, इसको हम लिख देते हैं रंध्रों का अस्टोमाटास, रंध्रों पुराने वृक्षों के तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित वात रंध्रों एवं अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा पौधों में प्रवेश करती है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, बार बार एक ही चीज को ऐसे बताना तो पड़ता है, अगर कोई बच्चा 100 बच्चा अगर पढ़ रहा है लाइव क्लास में या फिर क्लास में 100 बच्चा अगर बैठे पढ़ रहा, अगर 99 को आ गया और एक को भी नहीं समझ में आया तो हमको दोबारा समझाना पड़ेगा ही, ठीक है, और टीचर बताएंगे आप लोग को एक चीज और हम बताएंगे, बहुत मेन मेन पॉइंट्स होता है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों पुराने वृक्षों के तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित वात रंध्रों एवं अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा पौधों में क्या करता है, प्रवेश करता है, पौधों में प्रवेश करता है, पौधों में प्रवेश करता है। आगे क्या बोल रहा है, इसकी दूसरा पॉइंट में है, जो जो एरो करके दिया हुआ जाता है उसको मतलब पॉइंट समझिएगा, और जो हम नोट पॉइंट लिखेंगे ना वो नोट्स पॉइंट हम लिख देंगे, ये जो एरो करके दिया गया है सब आपको पौधों में पोषण के बारे में बताया जा रहा है। एक पैराग्राफ अगर हम इस तरह से उतार देते हैं तो आप लोग कहेंगे ये चीज क्या समझाया जा रहा है, अगर उसी चीज को अगर नोट्स पॉइंट में अगर करके समझाते हैं तो हर एक बच्चा, अगर 5 नोट्स हम आप लोग को बताए हैं, 5 पॉइंट बताए हैं तो उसमें से कंफर्म है कि 3 नोट्स आपको याद हो जाएगा, और अगर पैराग्राफ को पढ़ देते हैं तो उसमें बहुत कुछ लाइन समझ में आएगा, कुछ लाइन नहीं भी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि पौधों की जड़े मिट्टी, जैसे कि मान लीजिए चलिए कोई ब्रिज है, ब्रिज का ये जड़ नीचे ही तो रहेगा, रूट जिसको नीचे ही रहता है, शूट ऊपर का भाग रहता है, ये सारे चीज 4-3 क्लास में आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे, व्हाट इज शूट, व्हाट इज रूट, ठीक है। एक्चुअली हम भी अगर पढ़ाते हैं तो नीचे ही रहेगा, तो ये बोल रहा है कि पौधों की जड़े मिट्टी के कणों के बीच के स्थानों में स्थित हवा से ऑक्सीजन
ग्रहण करती है हवा से, हवा से क्या ऑक्सीजन ग्रहण करती है। कहीं कहीं देखिए आप मिट्टी मतलब कि जड़ क्या होता है, जड़ इस तरह से अगर नाला वगैरह देखे है ना, नाला वगैरह का किनारे किनारे अगर रहता है पेड़ रहता है तो उसमें क्या रहता है कुछ कुछ जड़े मतलब दिखते रहती है ठीक है। तो वही बोल रहा पौधों की जड़ मिट्टी के कणों के बीच के स्थानों में स्थित हवा से ऑक्सीजन क्या कर लेता है ग्रहण कर लेती करती है। फिर जड़ों के विभिन्न जड़ों के निकले मूल रोम जो एपिडर्मल कोशिकाओं में विकसित होती है, जड़ों में जड़ों के निकले मूल रोम को एपिडर्मल कोशिकाओं के से विकसित होती है ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, अभी बहुत सारा चीज पौधों में पोषण बाकी है, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, बाकी फिर हम इसको इरेज करके आप लोग को हम लिख करके फिर से हम बताते हैं आगे के पॉइंट ठीक है। नोट बैक साइड में हम लोग देखें अब क्या देख इसमें बताया जा रहा है तीसरा पॉइंट, दो तीन पॉइंट उधर नहीं था अब इधर देखते हैं। मिट्टी के कणों के बीच फैली रहती इन्हीं मूल रोमों द्वारा मूल रोमों से जड़ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं ठीक है। मूल रोमों और ये रंध्रों वांत रंध्रों के बारे में अभी बैक साइड में तुरंत ही हम बताए हैं। अब उसी के आगे ये जो दूसरा पॉइंट है कि मिट्टी के कणों के बीच फैली रहती है इन्हीं मूल रोमों से जड़ ऑक्सीजन ग्रहण करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देती है छोड़ देती है ठीक है। बस इतना ही है पौधे में शोषण और आगे हम लोग नोट्स पॉइंट देखेंगे। नोट्स पॉइंट में दो नोट्स पॉइंट है, ज्यादा देरी का समय नहीं लगेगा, इसमें दो नोट्स पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। क्या बोलता है पहला नोट्स पॉइंट कि जलीय पौधे मतलब कि एक्वेटिक प्लांट्स, जलीय पौधों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है एक्वेटिक प्लांट्स। ये सारे चीज के भी बारे में आप लोग 4 या 5 क्लास में पढ़े ही होंगे ठीक है। साइंस ऐसा चीज है ना जो मतलब बचपन से लेकर के लास्ट तक बहुत चीज सिखा करके चला जाता है ठीक है, और कई चीज तो रिविजन करवा देता है। जलीय पौधे वे विसरण क्रिया द्वारा जल से ऑक्सीजन क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। जलीय पौधे भी विसरण क्रिया के द्वारा जल से ऑक्सीजन क्या करते हैं ग्रहण करते हैं एवं श्वसन क्रिया के पश्चात CO2 गैस मुक्त कर देते हैं, और श्वसन क्रिया के पश्चात क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं मुक्त कर दिया जाता है ठीक है, मुक्त कर देते हैं। दूसरा नोट क्या गया है दिया गया है कि दिन में श्वसन से निकली CO2 गैस का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, क्या करते हैं दिन में श्वसन से निकली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, अतः CO2 की जगह ऑक्सीजन रंध्रों से निकल जाती है जिसको अस्टोमाटा भी हम बैक साइड में लिखे थे ठीक है, अस्टोमाटा भी लिखे थे बैक साइड में। दिन में श्वसन से एक बार और पढ़ देते हैं सुनिएगा, दिन में श्वसन से निकली CO2 गैस का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं एवं अतः CO2 गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है की जगह ऑक्सीजन रंध्रों से क्या कर देती है निकलती है ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पौधों में श्वसन क्या होता है खत्म होता है, ये टॉपिक यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है, और फिर हम आगे देखते हैं जंतुओं के बारे में पढ़ने के लिए दिया गया है, तो हम हर एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे ठीक है। आप लोग NCERT बुक्स को हम बोल दिए हैं स्टार्टिंग क्लास जब हमारा यूट्यूब चैनल बना ही था और उस टाइम जब हम शुरुआत किए थे तो आप लोग को एक चीज हम बताए थे कि आप लोग NCERT बुक्स को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में मतलब कि NCERT बुक से बहुत क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं मतलब ऐसे नॉर्मली बच्चा लोग भारती भवन भी किताब इस तरह से मतलब कि बहुत तरह के किताब से पढ़ते रहता है, कोई किताब देखिए किताब में कोई खराब नॉलेज नहीं होता, बस अपना अपना अलग अलग एडवांस कोई बुक हो जाता है NCERT जिस तरह से उसमें कुछ NCERT मतलब कि उसमें मेन पॉइंट्स ही पढ़ने के लिए देता है, और कुछ बुक जो निचले स्तर के बुक होते हैं उसमें कुछ और चीज बढ़ा करके दे दिया जाता है ठीक है। तो बुक में हर एक नॉलेज हर एक चीज जो ज्ञान लिखा गया है सब में कहीं ना कहीं मैच ही करता है, ऐसा बात नहीं है कुछ ज्यादा कुछ कम ठीक है, बस अंतर यही है। हाँ, और अंतर के बाद जब आया तो एक चीज और आप लोग को बताना चाहते हैं कि पौधों में जो श्वसन ये सब चीज के बारे में है ना उसमें अंतर कुछ कुछ चीजों के बारे में अगर आ सकता है तो आप लोग को पौधों में श्वसन जब हम पढ़ाए हैं तो उस तरह से निकाल लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अब उस चीज को फिर से लिखना पॉसिबल नहीं है ठीक है। तो आप लोग इसको नोट्स कीजिए थोड़ा